अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलू मून किचन एंड व्लॉग्स में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। एक वीकेंड व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगेगा। कुछ वीडियोस थीं तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। ये एक वीकेंड मार्केट है और जो कि जर्मनी में तकरीबन हर शहर में ही वीकेंड में ये लगाई जाती हैं। इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती हैं वो मिलती हैं। फूल बड़े खूबसूरत मिलते हैं। लोग दूर दूर से जो छोटे बड़े सात टॉम्स हैं वहाँ से आते हैं और ये फूल ख़रीद के लेके जाते हैं। और भी इसमें खाने पीने की भी ज़्यादातर चीज़ें, सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वो ऑर्गेनिक ही होते हैं। ब्रेड्स भी होती हैं, चीज़ भी मिलता है, तो लोग बड़े शौक से ख़रीद के लेके जाते हैं। तो मैंने कहा चलें आपके साथ, मौसम भी अच्छा था तो कुछ वीडियोज़ इसकी जो हैं वो शेयर करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। कुछ थोड़ी सी शॉपिंग थी, जूते वगैरह भी ख़रीदने थे तो वो भी ख़रीदे और एक अच्छा वीकेंड जो है वो गुज़रा। तो मैंने कहा चलें आपके साथ मिलके ये गुज़ारते हैं। हमने तो गुज़ार लिया, चलें आपको भी दिखाते हैं कि ये कैसा रहा। तो आप चलें आप देखें, इंशाल्लाह ताला आप पसंद करेंगे। और इसके आइंदा भी इंशाल्लाह, अब रमज़ान आने वाला है जैसा कि, तो कोई अच्छे अच्छे रमज़ान की तैयारी के भी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है कि लास्ट ईयर की तरह वो आपको बहुत पसंद आएंगी। तो एंजॉय करें आप इंशाल्लाह। तो आगे चल के फिर मुलाकात होती है। फ्रेश सब्ज़ी और फ्रूट के साथ साथ ड्राई फ्रूट भी यहाँ पे मिल रहा था और बड़ी अच्छी किस्म के क्वालिटी वाला ड्राई फ्रूट था। लोग बड़े शौक से इसे भी ख़रीद रहे थे, लाइन में लग के अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। कोरोना की वजह से थोड़ा डिस्टेंस का ख्याल रखना पड़ता है और मास्क पहन के हर बंदा इस मार्केट में जा सकता है, बल्कि किसी भी मार्केट में आप मास्क के बगैर नहीं जा सकते। तो इन सारी पाबंदियों का जो है वो बहुत ख्याल रखा जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि सब्ज़ियाँ, फ्रूट वगैरह माशाल्लाह इतने खूबसूरत कलर में और इतनी फ्रेश के दिल करता है बंदा सारी ही ख़रीद के ले जाए। तो बस खाने पीने की इस तरह चीज़ों के साथ साथ लोग ख़रीदारी भी कर रहे थे और साथ में कॉफ़ी, केक, जूस वगैरह इस तरह की चीज़ों को भी साथ साथ वो इंजॉय करते हैं। हम सब ये सारा देखते हुए फिर अंदरून शहर भी गए। वहाँ से फिर हमने, काफ़ी देर हो गई थी, सुबह नाश्ता भी इतना नहीं किया था, तो यहाँ पे हमने एक अच्छा सा नाश्ते से नाश्ता किया। बड़ी मज़े की फिश थी और बहुत ही मज़ा आया। जो है मेरी फेवरेट जगह है, बल्कि हम सब की ही, क्योंकि यहाँ पे हर किसी को अपनी पसंद की जो है वो चीज़ मिल जाती है। तो सब ने ही खूब इंजॉय किया इसके, इसको खा के और थोड़ी रेस्ट भी किया कि चल चल के ज़ाहिर थक जाता है बंदा थोड़ी देर नाश्ता करने के बाद। फिर हम दोबारा जो है वो शहर का रुख किया और जो शॉपिंग करनी थी वो शॉपिंग भी की। शॉपिंग तो ज़ाहिर है, जो चीज़ लेनी थी, शूज़ लेने थे, वो घर से ही सोचा हुआ था कि कौन से ब्रांड के लेने हैं और कौन से डिज़ाइन में लेने हैं। लेकिन फिर भी होता है कि एक दफ़ा के चलो जी कोई चीज़ ख़रीदनी है तो पहले एक दो और पहन के देख लें कि कोई और अच्छा लगे डिज़ाइन वगैरह तो वो ले लें। लेकिन माशाल्लाह से आजकल के बच्चे जो हैं वो काफ़ी होशियार हैं। चीज़ उन्होंने पहले से देखी होती है नेट पे पे हमने क्या ख़रीदना है, और उसी हिसाब से वो अपना जहन जो है वो तैयार रखते हैं और वही चीज़ ख़रीदते हैं जो के पहले से पसंद की होती है। और ये देखें सबके प्लेटर माशाल्लाह अपनी अपनी पसंद के जो वो खाए। और हम फिर चल पड़े शहर की जानिब और यहाँ पे भी एक बहुत मज़े की चीज़ देखी जो कि मेरा ख्याल है आगे चल के आप भी देखेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। और मैं इतनी हैरान थी उसे देख के दिल कर रहा था कि बस इसी पे पूरी एक वीडियो बनाऊं स्टार्ट से लेके एंड तक, लेकिन थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से पूरी ना बन सकी। ये देखें जी, ये जनाब कारीगर क्या कारीगरी कर रहे हैं। ये इनके साथ पास एक प्लेट पड़ी हुई, आते जाते कोई अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई सिक्का डालना चाहे तो डाल दे, नहीं तो ये देख के इंजॉय करके लोग आगे बढ़ जाते थे। और हम, मैं तो काफ़ी देर मेरा दिल कर रहा था कि देखूं कि ये कैसे बना रहे हैं। ये मिट्टी से बनाए जाने वाले, देखें आप के कितनी प्यारी शेप से, वो इतने खूबसूरत तरीके से, और मैं उनके हुनर को
दाद दिए बगैर नहीं रहूँगी कि किस हुनरमंदी से और कितनी तकनीक के साथ जो है वो ये सब बना रहे हैं। और इंतहाई खूबसूरत लग रहा था और लोग ठहर ठहर के जो है वो देख के फिर आगे बढ़ रहे थे। तो देखें आप कितने खूबसूरती के साथ वो और हुनरमंदी के साथ जो है वो ये बना रहे हैं और किसी से पैसे भी नहीं मांगते कि भई आप देख रहे हैं या देखने का कोई टिकट है। नहीं जी, बस वो ऐसी सड़क पे जो है वो काम कर रहे हैं और लोग आते जाते इंजॉय कर रहे हैं और साथ में कोई किसी का दिल करता है तो वो जाते हुए इसमें कोई सिक्का डाल जाता है। जी तो सब इंजॉय करते हुए फिर पहुँचे अपनी मंजिल मकसूद पे, जो कि जहन में था कि भई ये काम आज निपट ही जाए तो अच्छी बात है। जूता ख़रीदना था और जो ख़रीदना था वो तो पहले जहन में मौजूद था, लेकिन फिर भी कहा कि चले इधर कोई और डिज़ाइन वगैरह देखते हैं, अगर कोई और अच्छा लगे तो वो भी ख़रीद लें। बस दफ़ा बंदा एक चीज़ ख़रीदने जाता है लेकिन ख़रीद के फिर और भी बहुत कुछ ले आता है, तो इसी वजह से फिर थोड़ा टाइम देखने में लगा, लेकिन लिया तो वही कि जो जहन में था कि यही वाला जूता हमने ख़रीदना है। तो बेटी ने उसे चाहिए था तो उसने ख़रीदा अपनी पसंद के मुताबिक, माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। तो उम्मीद है कि आपको वो भी पसंद आएगा, तो देखें आप भी इंजॉय करें। हो सकता है कि ऐसे आपको भी कोई डिज़ाइन पसंद आ जाए वीडियो देखते हुए और आप भी सिलेक्शन कर लें कि भाई ये वाला डिज़ाइन अच्छा है और इस ब्रांड का है तो हमने यही ख़रीदना है। और मेरी वीडियो बनाने का ज़्यादा मकसद भी इसी यही था कि भई थोड़ी वीडियो अगर आप किसी की देखें तो बड़ी हेल्प हो जाती है चीज़ ख़रीदने में। अगर आपको वो वाली चीज़ चाहिए आप और उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो देखें तो अच्छा बंदे के जहन में बन जाता है कि भई हाँ भई ये वाली चीज़ इस ब्रांड की जो है वो मिल जाती है। और ये ब्रांड तो आपको पता ही है माशाल्लाह से कितना अच्छा है और इसके शूज़ भी हमेशा पहनने में भी बहुत ईजी रहते हैं। तो यही था वो गौरे मकसूद जिसे ख़रीदना था और बस साइज़ वगैरह बस देखना था कि नेट से अगर आप ख़रीदें तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि भाई साइज़ जूते का शायद पूरा ना आए, लेकिन अगर आप शॉप से जा कर ख़रीदें तो फिर ये मसला नहीं होता, इसीलिए हमने फैसला किया था कि शॉप से ही ख़रीदेंगे नेट से नहीं। उसके बाद यूँ ही चलते चलते हम एक आर्ट गैलरी में पहुँचे और वहाँ भी बहुत खूबसूरत हुनरमंदी का मुजाहरा किया गया था और एक अच्छे शाहकार किस्म की जो हैं वो वहाँ पे तस्वीरें थी और जिन्हें देख के बहुत मज़ा आया और खूब इंजॉय किया और तख्लीकारों की हुनरमंदी को दाद देते हुए बस हमने क्या कहें कि दिल कर रहा था कि इस आर्ट गैलरी पे ही जो एक पूरी वीडियो बनाई जाए, लेकिन टाइम की कमी की वजह से और फिर बस के थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें जब देखनी हो तो फिर बंदा ऐसे ही चलते चलते जो है थोड़ा थोड़ा टाइम हर जगह पे गुजारता है। आप देखेंगे कितनी खूबसूरती से कितनी हुनरमंदी के साथ इन तमाम तस्वीरों पे मेहनत की गई है और तख्लीकार की हुसन को उसकी तख्लीक को दाद देते हुए हम फिर वहाँ से बड़े बोझल दिल के साथ निकले कि टाइम कम था, देखने को चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा थी और दिल कर रहा था कि एक के पास थोड़ी देर रुकें और अच्छी तरह जो है वो इससे लुत्फानंदोज़ हों, लेकिन टाइम की कमी की वजह से जो है वो नहीं ज़्यादा रुक पाए, बस ऐसे ही फिर वहाँ से निकल पड़े।
एक बात तो है वैसे इन लोगों में कि ये अगर पूरा वीक बहुत काम करते हैं लेकिन अपना वीकेंड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसे इंजॉय करते हैं। और सोने पे सहागा तो जब होता है जब मौसम भी बहुत अच्छा हो, सूरज अपने वो क्या कहते हैं पूरी तरह रोशन हो, मौसम अच्छा हो, तो फिर तो मज़ा हो जाता है और बाज़ारों में भी देखने में रश मिलता है। अदरवाइज़ पूरे वीक में इतना रश नहीं होता और अगर मौसम अच्छा ना हो तो फिर तो बिल्कुल भी बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन वीकेंड पे मौसम अच्छा हो ना हो तो लोग इंजॉय ज़रूर करते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा लंबा भी व्लॉग बनाने का मकसद भी यही था कि बहुत से लोग दोस्त जो हैं वो कमेंट्स में ये फरमाइश भी करते हैं कि भई आप रेसिपीज से ज़्यादा जो हैं वो व्लॉग बनाया करें इर्द गिर्द के लोगों का, माहौल का, अच्छी अगर कोई जगह हो वहाँ पे तो ज़रूर आप वो वीडियो शेयर किया करें। तो हमने यही सोचा कि चलें इस बार आपको अपने साथ साथ लिए चलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वाला अच्छा लगेगा और यहाँ पे भी आगे चल के आप देखेंगे कि एक बंदा अपने फ़न का मुजाहरा किस तरह कर रहा है और लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं उसे आते जाते हुए। उसके भी पास एक प्लेट पड़ी हुई थी जिसमें कोई अपनी मर्ज़ी से अगर दिल करता था तो सिक्का डाल देता था, नहीं तो बस सुन के या खड़े होकर उसकी वीडियो बना के आगे चल पड़ता था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। आए तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।